सहारनपुर 25 मार्च को पेट्रोल पंप कर्मचारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें कि सहारनपुर थाना सदर बाजार अंतर्गत अंबाला हाईवे पर बाइक सवार दो बदमाशों ने प्रकाश पंप से 55,000 की लूट करने वालों में से एक साजिद नाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 21,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। वहीं लूट में शामिल दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि अभी जानकारी लेना चाहूंगा, दो दिन पूर्व रात्रि लगभग 11:40 से 11:50 के बीच में एक रॉबरी हुई थी पेट्रोल पंप पर, प्रकाश पेट्रोल पंप पर अंबाला रोड पर, जिसमें दो बदमाशों ने बाइक सवार होकर सेल्स में से एक थैला लूटा था, जिसमें लगभग 55,000 रुपए थे। इन बदमाशों में से एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम साजिद है। इसके कब्जे से जो वेपन इसने उस समय यूज किया था, 32 पिस्टल, वो बरामद हुआ है। 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 21,000 रुपए की नकदी जो इसने इसके कब्जे से बरामद हुई है, इन दोनों बदमाशों ने आधी आधी नकदी शेयर की। उसमें से जो इसके हिस्से का पैसा था, उसमें से इसने कुछ पैसा खर्च किया, जिसमें से 21,000 रुपये बरामद हुआ है इसके द्वारा। और इसका एक साथी जो इस घटना में शामिल था, जो मौके से भागने में सफल रहा, शोएब और भोलू, ये जो बाइक सवार आगे वाला बदमाश है, जिसने हेलमेट लगाया हुआ है, ये बदमाश है। ये सभी लोग एक्टिव गैंग हैं और लगातार वारदात कारित कर रहे हैं। ये चेन स्नैचिंग भी कर रहे हैं, नकदी भी लूट रहे हैं और मोबाइल भी लूट रहे हैं।